हेलो गाइस, आई एम अभिषेक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th या उससे नीचे वाले क्लासेस में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें राइटिंग सेक्शन होता ही है। उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है लेटर राइटिंग के ऊपर, और लेटर राइटिंग जो है कई तरीके से हो सकता है। हमारे पास हो सकता है फॉर्मल लेटर हो सकता है इनफॉर्मल लेटर हो, और फॉर्मल लेटर में भी कई तरीके के टाइप्स आते हैं। हो सकता है लेटर टू द एडिटर हो, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, जिसके हम 10,000 से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करके जाते हैं। उसके बाद लेकिन इसके अलावा भी लेटर आते हैं, जो कि होते हैं इन्विटेशन होता है, या जॉब एप्लीकेशन होता है, या इंक्वायरी लेटर होता है। वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट और उसका क्या उसका फॉर्मेट बाकी लेटर जैसे कि एडिटर वाला लेटर है क्या उससे अलग होता है, क्या डिफरेंसेस हमें अपने माइंड में रखना है जो हम पेपर करते टाइम अपने दिमाग में रख सके, ताकि उसको अप्लाई किया जा सके, ताकि हम अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सके। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे सामने सवाल कि व्हाट इज इंक्वायरी लेटर, कि मतलब इंक्वायरी लेटर होता ही क्या है, क्या इसका थीम होता है, कैसे समझ आएगा कि ये इंक्वायरी लेटर है। तो मैं बता दूं आपको कि इंक्वायरी लेटर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से आप अपने सवाल दिल के पूछ रहे हैं कि वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, कोर्स डिटेल पूछ रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, या टाइमिंग्स पूछ रहे हैं बैच की। तो ये सब इंक्वायरी होती है जो आप लेटर के अंदर लिखते हैं उस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। तो अब इसका डिफरेंस क्या होता है बाकी लेटर से, क्या इसका फॉर्मेट अलग होता है? बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट जो है बिल्कुल सेम है। बस कुछ टिप्स को हमें अपने दिमाग में रखना है तो हम लेटर लिखते टाइम रखेंगे इंक्वायरी को, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट को। अब क्या इसका फॉर्मेट अलग होता है बाकी फॉर्मल लेटर से या सेम होता है? तो मैं बता दूं इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, बस कुछ पॉइंट्स हमें अपने दिमाग में रखने होते हैं जो हम लेटर लिखते टाइम अप्लाई करेंगे, जिससे हम अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हमारा एड्रेस जो हम जहां हम रहते हैं जो वो लेटर लिख रहा है। फिर आता है एक लाइन का गैप सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर आता है डेट, डेट का फॉर्मेट जो होता है वो फुल फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि 24 दिसंबर 2017, ठीक है। उसके बाद आता है फिर से एक लाइन का गैप। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। फिर आता है एक लाइन का गैप। फिर सब्जेक्ट, यानी किसके अकॉर्डिंग हम किस चीज़ के लिए हम भेज रहे हैं। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट जो इंक्वायरी लेटर का होता है तो वो हम लिखेंगे फॉर इंक्वायरी अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, या कंप्यूटर के लिए, या इंग्लिश सीखने के लिए, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। फिर आता है एक लाइन का गैप फिर से सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर सैल्यूटेशन, और फिर हम शुरू करेंगे कंटेंट के लिए। कंटेंट जो है तीन पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा फिर से, और पहले पैराग्राफ में हम फिर से इंट्रोडक्शन देंगे, अपने कोर्स अपने बारे में बताएंगे कि हमने कहाँ से आपके जो इंस्टीट्यूट का है एडवर्टीजमेंट देखा, या कैसे हम आप तक अप्रोच हुए, वो सब बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि हमारे अंदर क्या डिटेल्स है। सेकेंड पैराग्राफ जो फिल करेंगे कि हम क्या चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट से, और हम क्या सीखना चाहते हैं, मतलब हमारे एम क्या है, और किस लिए हम आपके इंस्टीट्यूट में आए। उसका थर्ड पैराग्राफ जो है आप अपने बारे में बताएंगे, कंक्लूड करेंगे कि आपसे हमें क्या क्या क्वेरीज चाहिए। तो आप सारी क्वेरीज को एक लाइन सिंगल लाइन में लिख देंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे ये आशा करते हैं कि आप मतलब होप वी यू विल गेट रिप्लाई अस सून, और ये सब, ठीक है। तो ये हो गए तीनों पैराग्राफ। फिर आता है क्लोजिंग, जिसमें हम लिखते हैं योर्स फेथफुली और एक्स वाई जेड। और योर्स फेथफुली इसलिए लिखना क्योंकि बाकी स्पेलिंग सिंसियरली ओबीडियंटली स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो उसमें मार्क्स ना कटवाए। तो अब क्या नहीं करना है आपको पेपर में, तो ये चीज़ नहीं, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी ये चीज़ कि आपका फॉर्मेट सब कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कंटेंट फिल करने से बजाय आप जो है कटिंग ना करें। कटिंग का मतलब कहीं पर आपने कुछ गलत भी लिख दिया कंटेंट पैराग्राफ लिखते टाइम, तो उसको काटे ना, उसको आगे फॉरवर्ड करते रहे। इससे होगा ये कि टीचर का इंप्रेशन अच्छा रहेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आप कन्फ्यूज हैं, और वो फॉर्मेट के नंबर देगा, उसके बाद कंटेंट को आसानी से पढ़ेगा। अगर कटिंग देख लेता है वो एक बार कहीं, तो वो हर लाइन को ध्यान से पढ़ने लगता है कि बच्चे ने क्या गड़बड़ी की है क्या नहीं की, क्योंकि कटिंग दिख जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लेटर लिखते टाइम, कि आपको कटिंग नहीं करनी है किसी भी हाल में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, प्रैक्टिस करके जाए घर से तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपका इंक्वायरी लेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और ये वीडियो समझ आई हो जनरली, तो लाइक कर दे मेरी वीडियो को, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छा काम करने के लिए। और अगर आपके मन में कोई सजेशन है, या मेरे लिए कोई डाउट है, या आपको कोई किसी टॉपिक के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन का आप यूज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। उसी साथ टाटा बाय बाय। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਲਕਾਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਰੀਬਨ ਕਟਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ।